नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आए हुए हैं फतेहाबाद मंडी में, जो कि संडे के दिन लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ऊपर देखिए, सबसे पहले ऊपर है छतरी, सादी कपड़े वाली छतरी है। ये है न्यू होलैंड 3630+, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके पिछले टायरों की। तो जो टायर हैं इसके 16-28 के पिछले टायर हैं। कंडीशन की अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो बिल्कुल अच्छी कंडीशन के अंदर टायर हैं। 90-92% से ऊपर ही आप इनको लगा लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले टायरों की। तो जो अगले टायर की जो कंडीशन है इसकी, अगला जो टायर है इसका गुडियर का है 7/50/16 का। कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर जो अगला टायर है इसका वो है। अभी साइड से इसका प्लेटफॉर्म देख लीजिए, फिर हम आगे से तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आगे तो इसके काफ़ी भीड़ है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, सटा करके खड़ी की गई है। तो प्लेटफॉर्म आप एक बार देखिए, प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़े बहुत निशान आपको दिखाई देंगे, रस्टिंग वगैरह के, कलर वगैरह छूटने के, जो आप साफ देख सकते हैं। आगे से एक बार आपको नंबर दिखा देता हूँ। इसका नंबर है हरियाणा नंबर HR 69D, यानी कि हरियाणा का नंबर है, आप साफ इस बात को देख सकते हैं। अब इस साइड से एक बार देखिए इसको, अब आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है वो इस साइड से, उसके ऊपर जो काफ़ी निशान आपको दिखाई देंगे, रस्टिंग के, कलर छूटने के जो निशान है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ साल पुराना मॉडल है ये, साफ पता चलता है और यूज किया गया है। अब आगे से देखिए एक बार, आगे से भी काफ़ी साफ है, यानी कि यहाँ पर भी जो है ज़्यादा रस्टिंग के या फिर जो कलर वगैरह छूटने के जो निशान हैं वो ज़्यादा नहीं है। ये साफ बता रहा है कि ज़्यादा जो है यूज नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की मॉडल की और कीमत की। तो सबसे पहले आपको मॉडल बता देता हूँ, 2016 मॉडल है ये। कीमत की अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की, तो 5,65,000 इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो की गई है। आगे है न्यू होलैंड 3630+ है ये, स्पेशल एडिशन है आपके सामने। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो छतरी है वो देखिए एक बार, ऊपर जो छतरी है वो फाइबर वाली छतरी है, जो आप साफ साफ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पिछले टायरों की। तो जो पिछले टायर हैं इसके, उसकी हम बात करें BKT के 16-30 के टायर हैं। कंडीशन की बात करें तो तकरीबन 95% से ऊपर आपको ये टायर देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर हैं। अगले टायरों की बात कर लेते हैं, तो BKT के ही अगले टायर हैं इसके, और साइज़ की अगर हम बात करें तो 7/50/16 के टायर हैं। और कंडीशन की बात करें तो अगले टायरों की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। अब एक बार आप इसके प्लेटफॉर्म की कंडीशन देखिए, जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। इस साइड में ट्रैक्टर की जो कंडीशन है वो काफ़ी साफ है, और इसके ऊपर जो रस्टिंग वगैरह के, जो कलर वगैरह छूटने के निशान हैं वो ज़्यादा नहीं है, जिससे पता चलता है कि ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। अब एक बार आपको आगे से दिखा देता हूँ, फिर इसको जो है उस साइड से हम बात करेंगे। तो आगे से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, HR 23G, यानी कि हरियाणा का नंबर है। अब इस साइड से दिखा देता हूँ आपको एक बार, इस साइड से प्लेटफॉर्म देखिए इसका। तो इस साइड में आपको दिखाई देंगे कि कलर वगैरह छूटने के, जो रस्टिंग के जो निशान हैं वो काफ़ी हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो ट्रैक्टर है वो कुछ साल पुराना है और काफ़ी यूज किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो थोड़े बहुत निशान हैं आपको रस्टिंग वगैरह के, वो दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की मॉडल और कीमत के बारे में। तो मॉडल है ये 2016, कीमत की बात करें तो 5,80,000 इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो की गई है, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। हालाँकि मंडी के अंदर जब आप आते हैं किसी ट्रैक्टर को लेने के लिए आते हैं, तो जब आप मोल भाव करते हैं तो उस समय कीमतें जो हैं काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि मंडियों में जो है, सभी मंडियों में लगभग, चाहे किसी भी चीज़ की मंडी हो, ऐसा ही सिस्टम होता है। सभी जगह पर जो कीमतें हैं कुछ इसी हिसाब से लिखी जाती हैं, ताकि मोल भाव के समय आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करवा सकें। तो आगे ट्रैक्टर है न्यू होलैंड 3630+ स्पेशल एडिशन, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसका जो पिछला टायर है, सबसे पहले उसको देखिए, 16-30 का टायर है, सॉरी 16-28 का टायर है, 30 का नहीं है, 16-28 का। ऊपर देखिए जो छतरी है वो फाइबर वाली छतरी है, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं छतरी की कंडीशन की। तो जो कंडीशन है इस छतरी की वो, सॉरी, जो टायर की जो कंडीशन है इसकी, गलती हो जाती है कई बार बोलते बोलते। तो जो टायर की जो साइज़ है वो है 16-28 का। जो कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी है, 90% से ऊपर है, बिल्कुल नया टायर आप बोल सकते हैं। अभी साइड से प्लेटफॉर्म की कंडीशन तो नहीं दिख पाएगी, क्योंकि जो मैट वगैरह हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि जो क्लच पैडल, जो रेस पैडल, उनकी हम आपको कंडीशन ज़रूर दिखाएंगे उस साइड से। उससे पहले आप देखिए,
अगला जो टायर है इसका गुडियर का टायर है 750/16 का, कंडीशन आप उसकी भी देख सकते हैं। जो कंडीशन की जो टायर की जो कंडीशन अगले की काफ़ी अच्छी कंडीशन है, जो रबर वगैरह वो ठीक से जो है टूटे तक नहीं है, यानी कि काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर है। अब आगे से एक बार आपको इसको दिखा देते हैं कि आखिरी आगे से कैसा दिखाई देता है। HR23H तो यानी कि हरियाणा का नंबर है और काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर है। अब एक बार आपको इस साइड से दिखा देते हैं, तो इस साइड से भी आप देख सकते हैं, इस साइड से भी कंडीशन जो है इसकी वो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैट वगैरह जो हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि जो क्लच पैडल हैं वो आप देख सकते हैं, इनके ऊपर भी जो है रस्टिंग वगैरह के निशान नहीं है, यानी कि इस ट्रैक्टर को ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। इन पैडल्स की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि इनको इस ट्रैक्टर को कितना यूज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मॉडल की और कीमत की। तो मॉडल है 2018, कीमत है इसकी 675,000 जो कीमत है वो लिखी गई है। आगे चलते हैं, आगे है न्यू होलैंड 5500, इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी छतरी की, तो ऊपर छतरी है इसके सादी कपड़े वाली छतरी है जो आपको साफ दिखाई दे रही होगी। अब बात कर लेते हैं इसके टायरों की। पिछला जो टायर है वो इसका 16/9/28 का टायर है। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन इसकी तकरीबन 90-92% के आसपास है, क्योंकि ज़्यादा यूज नहीं किया गया, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर ये टायर है। वैसे मिट्टी ज़रूर लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की, तो आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, इस साइड से काफ़ी जो निशान है जंग लगने के और जो कलर उड़ने के निशान आपको साफ दिख रहे हैं, यानी कि काफ़ी पुराना मॉडल है। इसी बात से पता चल जाता है कि काफ़ी यूज़ किया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से आगे से, देखिए एक बार आगे भी जो है थोड़े बहुत निशान जो है कलर छूटने के रंग उड़ने के हैं। अब बात कर लेते हैं अगले इसके टायर की, तो जो अगला टायर है इसका वो आप देखिए 750/16 का अगला टायर है इसका। हालांकि कंपनी जो है वो ठीक से नहीं पता चल पाएगी आखिर कौन सी कंपनी का टायर है इसका। आगे से देख लेते हैं, तो आगे से ये ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। बात करें नंबर की तो HR17 यानी कि हरियाणा का नंबर है। इस साइड से इसका प्लेटफॉर्म एक बार देखिए, फिर आपको इसकी जो मॉडल और कीमत है उसकी हम बात करेंगे, जानकारी उसकी देंगे। तो इस साइड से जो प्लेटफॉर्म है, इस साइड से भी काफ़ी जो है बोल सकते हैं कि जो कलर वगैरह काफ़ी छूटा हुआ है, काफ़ी पुराना मॉडल है जिसकी वजह से काफ़ी यूज हुआ है, तो ऐसे निशान पड़ते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी निशान आपको दिखाई देंगे जो कलर वगैरह छूटने के। तो इसकी हम बात कर लेते हैं मॉडल की और कीमत की। तो ये मॉडल है 2007, कीमत की बात करें तो 3,65,000 इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो की गई है। आगे चलते हैं, आगे है आपके सामने न्यू होलैंड 3630 सुपर है, इसकी हम बात करेंगे। तो इसका जो अगला टायर है वो है 6/16 का गुडियर का। पिछले टायर की बात करें, पिछला है कंपनी तो ठीक से दिखाई नहीं दे रही पिछले टायर की, क्योंकि काफ़ी सटाकर खड़ा किया गया है, लेकिन जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 14/9/28 का टायर है और कंडीशन जो है इसकी तकरीबन 80-85% के आसपास कंडीशन है इस टायर की, ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। अब ऊपर आप एक बार देखिए, ऊपर जो छतरी है वो सादी कपड़े वाली छतरी है जो आपको साफ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की आपको साफ साफ दिखाने की। यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड से जो प्लेटफॉर्म है वो आप देखिए, थोड़े से निशान आपको दिखाई दिए होंगे कलर छूटने के, क्योंकि यूज करने की वजह से ऐसे निशान होते हैं। ज़्यादा यूज हुआ होगा तो ज़्यादा निशान देखने को मिलेंगे, कम यूज हुआ है तो कम निशान देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अगले टायर की। तो अगला टायर मैंने आपको बताया 6/16 का टायर है। कंडीशन की बात करें तो अगले टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से भी जो जंग वगैरह जो नटों के जो नट बोल्ट हैं उनके भी जो कलर जो हैं छूट रहे हैं, यानी कि जो है यहाँ से काफ़ी खुला है, ये खोला गया है बार बार, इससे पता चलता है। तो आगे से आप कंडीशन इसकी देख सकते हैं, आगे से ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। मॉडल की बात करेंगे, कीमत की बात करेंगे, उससे पहले इस साइड से बात कर लेते हैं कि आखिर प्लेटफॉर्म कैसा है। तो इस साइड से भी आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी साइड से भी जो कलर वगैरह छूट चुके हैं, काफ़ी घिस चुका है आप बोल सकते हैं। आपको एक बार इसके जो क्लच पैडल्स हैं वो दिखा देते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इसका भी जो कलर है वो पूरी तरह से जो है छूट चुका है, यानी कि पूरी तरह से जो रस्टिंग है वो हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि जो काफ़ी यूज किया गया है। बात करें इसके मॉडल और कीमत की, तो मॉडल है 2012, कीमत की गई है 3,65,000।
तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।